यशोमती मैया के नंदलाला। देख वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया। देखो 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 कैसे छटपटा रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। यही दशा गोकुल वासियों की भी होने वाली है, क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में हंसने वाले हैं। आओ आओ श्रीमान, पधारो। सब झटक लूंगा। हैं? हैं? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पहली बार आयो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटके लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दूंगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप। मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दो गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे। सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है। हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो जे सारी की सारी मटकियां आपकी। लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला। अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जे सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगो? क्या होगो मैया? पेट दुखेगो लल्ला। पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगो, फिर सोच ले तो घर से बाहर ना निकल पाएगो। ये नारायण लोग तो सच्ची में बहुत भयंकर है, इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले। जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे, मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे
जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से दो गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूं। मेरी मिठाइयां विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है, इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध, दही, मक्खन, घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे। ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटक ना ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया, वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक और अधिक और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है। और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा, इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो, वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, जा सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ मैया। जाइए जाइए जाइए। बस इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया,
उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा और फिर तुम्हारे आपके सिक्के। अब कौन उतरे, कौन झुके, कौन उठाए, रहने दीजिए। ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो। कोई और माने ना माने, मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो ना आप दोनों, लोग वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकता है? संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास चित्ता है उत्ते में प्रसन्न रहना चाहिए। पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। और वैसे भी कान्हा, हम जितना अपनी वस्तुओं को बांटते हैं ना, उससे कई गुना अधिक नारायण हमें दे देते हैं। पर मैया, बस अब शेष प्रश्न घर जाके पूजा पूरी करने दे मुझे। मैया ने भोग चढ़ाने तक ठहरने को कही थी, अब तो चढ़ गो भोग। बाहर आ जाओ सबके सब, लड्डू लाए हो तुम्हारे लिए। हम तो तुझे भाव करके भयभीत करने वाले थे। तुझे कैसे पता चला और कब? जब से तुम सबने हाथ में मेरा पीछा करना आरंभ किया था, तभी पता चल गया था मुझे। मैं भी तुम सबके साथ आने वाला था, पर मैया ने रोक लियो। इससे पहले कि मैया मुझे रोक ले, भागो। भागो और लड्डू भी ले गाओ। क्या होगा? फिर लड्डू लुप्त हो गए, लल्ला लुप्त हो गए, परंतु तुम्हारा घबराया हुआ स्वर अभी तक दसों दिशाओं में ना गूंजो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सदैव घबरा के आसमान सर पे उठा लेती हूँ। जी अर्थ ना है सुधा। ना ना, मुझे पतो है,
मैं लल्ला को लेके अधिक चिंतित हो जाती हूँ, पर इस समय मुझे कछु चिंता ना है, क्योंकि मुझे पता है वो लड्डू लेके सीधा कहाँ गया होगो। वही जहाँ पूरी टोली मिलके खेलने जाती है, जानकी के घर के पास वाले मैदान में। आ जाओ रे सबके सब, घेरा बना लो, सब लोग बैठ जाओ। वही पेड़ के नीचे बैठ के सबको लड्डू बांटे गोजे। लो मधुमंगल, ले सुबल। वसंता तू भी ले। सुनी ना मैया ने क्या की, दो बहुत भयंकर ऋतु है, बहुत भयानक। ताई जी ने ये भी तो कही थी कि आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना लोभ हो तो है, पर मेरी तो आवश्यकता ही अधिक है काना। इतने भारी बलकन तन में एक लड्डू कहाँ जाओगो, कुछ पता भी ना चलोगो। फिर तुझे दो ना चार लड्डू देने पड़ेंगे। उपवास करना है कर लो, पर लड्डू तो दो। और जैसे ही जे बालक लड्डू खाने को होंगे, उनके मुंह तक पहुंचने से पहले ही कान्हा उन्हें रोक देगा। रुको, रुक क्यों थी काना? दाऊ को तो आने दो बसंता, उनके बिना कैसे खा सकते हम अकले अकले। पर तुम्हें ये सब कैसे पता है यशोदा? अरे एक मैया से अधिक अपने संतान को कौन जानता है भला। कान्हा अपने दाऊ के बिना कुछ कर ही ना सकता, अब चाहे खेल खेलना हो या अपनी मैया के हाथ के लड्डुओं का आनंद उठाना। जहां कान्हा होगो वहां उसके बल दाऊ को तो होनो ही है। विलंब की आशंका से घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। खेलोगे कि कोई खेल भी खेलोगे? गिल्ली डंडा, सुपाई सुपाई, ना ना पकड़ा पकड़ी। कछु नया खेल भी सुझाओ ना। मैं बताता हूँ एकदम नया खेल है, स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने इसका आविष्कार किया है और स्वप्न में आके बताया है मुझे। और इसमें ना लो आरंभ हो गया बड़बोला। अरे पर खेल का नाम तो बता उज्जवल। खेल का नाम है साथी दौड़। साथी दौड़, पर खेल तो कैसे है इसे? बस एक साथी दूसरे साथी का पैर अपने से बांधता है और दौड़ लगाता है। तो चलो अपना अपना साथी चुनते हैं। लड्डुओं का भोज करके सब खेल में ऐसे मगन हो जाएंगे कि कोई घर आने का नाम भी ना लेगो।
पर एक बार जो भूख लगी आई तो फिर देखना कैसे मैया के। क्या हुआ यशोदा, रुक क्यों गई? देखो जी भीतर। ये कौन है? जैसे साक्षात मैया लक्ष्मी। सुलक्षणा, यशोदा जी, नंदराज, नारायण 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 नारायण। वो साधु महात्माओं की तरह अपना भविष्य देख रही थी। दोनों हाथों से धन बरस रहा था, स्वर्ण के सिक्कों के सागर में तैर रही थी। लग तो है दीवा स्वप्न देख रही थी। और सुलक्षणा बताओ कैसे आना हुआ, वो भी इस वेशभूषा में? अच्छी लग रही हूँ ना मैं रानी जैसी? क्षमा करना, वो तो आप हो ना। अब बताओ भी, जे सब क्या है? जे ही तो धनवान बनने का संकेत है यशोदा जी। अब बहुत सारा धन आएगो तो धनवान दिखनो भी तो चाहिए कि ना। कहना क्या चाहती हो? जे ही कि साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने है? कुबेर महाराज। साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने है? सब विस्तार से बताती हो, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगो वो जीत जाएगो। आरंभ करो। आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बल, दाव का बल।
ताऊ वो देखो। मैया अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इसे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उसे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई दो गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई दो गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो या उनकी तिजोरी में समान आ रहा हो या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज, गुटली गिन के हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध घी माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो, दो गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसीलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को दो गुना लाभ हुआ है आज, पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। जी नया माखन अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी, पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। काना, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसी मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो?
दाऊ मेरे बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुलवासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी। यशोदा, यशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे आदि की सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। वैसे तो जब कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ, ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए, ना तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी बोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुला तो, मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो यहाँ चली आई, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे, हम सबसे पहले तो वे अन्य के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा, दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ, पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुपके माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या तो है भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे वो क्या तो है भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या हो तो है भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। त
तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगो। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधु मंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि काना सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगतो। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं? सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी का घर माखन चुराने नहीं जाएगो बल्कि उसे दुगना कर देगो। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है सिखा दूंगो और हमारी टोली कहलाएगी चोर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब बात छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिपचोर। इतने ऊपर टांग रही हो मासी। कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी।
मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री, कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना, जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। ये मेरा स्वप्न है या फिर? जी सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी, कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है? मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जानू है, कोई पकड़ी मत तो जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है जैसे कर रहा है मुझे करने देना चाहिए। डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदार को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा तूने सुना है ना, कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है। बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बर्दर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना लौट चल। रुक जाओ,
चिंता की आवश्यकता ना है। हम पे क्रोध ना करेगो ये। देखो कैसे स्वागत करो है। वैसी भयभीत हो यो तुम सब। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है। बहुत भूखे है ये, इसलिए हम इनके लिए तरिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। कर रहे हो जी? काना पागला हो गया हो क्या? माती कोल काना, ये सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सिंगों से उड़ा के चला जाएगो। अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे, भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का चौर्य विद्या प्रसारण टोली। चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसे सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजनो पड़ेगो। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी, अब अंदर कैसे जाएगो काना? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय काना। करते हैं, रुको। सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बाल बलदस था,
वैसे भीतर कोई और हो सकता है। हे नारायण, फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सतर्क रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख ले तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जब ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गए तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है, कछु बोलेगा भी? ननराज जी, ननराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। देख लल्ला, अभी क्षणभर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है, चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा कहाँ चला गया? पशु से तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी भाषा समझते हो। लगता है यही रखा है सारा का सारा माखन। मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर काना, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना होगा गाँव, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है, किसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगो? मुझे क्या पता था कान्हा की तू सच्ची में आने वालो है, ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले, अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर, श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा, इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण।
भगवान सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैना का रंग ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर, न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा, से भरा है ये नखट बड़ा चिचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई। माखन मिल गयो? तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर। अब खाएगो जी मेरा माखन। वानर वराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीत अधिक लोग लपाए वो ही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हैं जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये? बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है, इसीलिए कृष्णा जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा, वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित चोर तो है ये, इन्होंने केवल गोपियों का नहीं अपनी मैया का भी चित चुराया है। कान्हा,
देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला मुझे पता है तू खम्बे के पीछे छुपो है, बाहर निकल। माया रुक, लल्ला ठीक है मतिया, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूं। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? हाँ। ये तो फिर से माखन बांट रहे हैं। इसका इतना साहस? यदि यही सब करनो थो तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहे हैं। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलो है। वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए। नाना नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोग बहुत भयानक राक्षस है। पर काना अभी तो गले तक ही गए और माखन पूरी मटके छट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचे है। हाँ, भूत अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है काना, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि काना ने मेरे हाथ का माखन खाए हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मारे महाराज पूछे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक मिलेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? काना मौसी,
अब सब गए, मैं भी जाऊं। किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भूला भाला